नमस्कार। ध्यान एक प्रकार का दिव्य दर्शन है। सविता ध्यान, सविता यानी सूर्य देव। सूर्य देव के अरुणोदय स्वरूप का ध्यान, शरीर को आरामदायी स्थिति में स्थिर बनाए रखे, शरीर के सभी स्नायुओं को शिथिल कर दीजिए, मेरुदंड को सटीक रखते हुए आँखों को कोमलता से बंद करके सामान्य सांसों की आवन जावन पर ध्यान केंद्रित करें। यह प्रातःकालीन स्वर्णिम सूर्य का ध्यान है। स्वयं के मानस पटल पर आकाश में सूर्य का उदय होता हुआ देखे। अरुणोदय का समय एक अद्भुत अवकाशीय स्थिति है। सूर्य उदय का समय एक सबल ऊर्जा का समय है। सूर्य की कोमल किरणों के साथ वातावरण में विस्तृत होती हुई दिव्य सूर्य ऊर्जा में स्वयं को पूरी तरह से अनुभव करें। जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे उस समय मन में यह भावना करनी है, युग ऋषि की वाणी के साथ युग ऋषि की प्राण चेतना भी प्रवाहित हो रही है। युग ऋषि के प्राण चेतना भरे प्रवाह में हमारे मंत्रोच्चार के कंपन और हमारे मन के कंपन एकाकार होकर एक अद्भुत योग की स्थिति निर्माण कर रहे हैं। अब हम 7 बार दिव्य गायत्री मंत्रोच्चार करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः
तस्तवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्तवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्तवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुभव हो रहा है कि मानो मंत्रोच्चार के प्रत्येक स्वर प्रत्येक अक्षर भीतर से उत्पन्न हो रहे हैं। स्वयं के भीतर एक पवित्र तीर्थ का निर्माण होने की अनुभूति होने लगेगी। जहाँ स्वर्णिम सूर्योदय हो रहा है, हमारा रोम रोम इस स्वर्णिम प्रकाश में सराबोर हो रहा है। चारों दिशाओं में स्वर्णिम प्रकाश अपने तेजस्वी किरणों के साथ विस्तृत हो रहा है। यह दिव्य स्वर्णिम प्रकाश का दिव्य प्रवाह हमारे स्थूल सूक्ष्म प्राण और कारण शरीरों में संचित होकर उन्हें पुष्ट तेजस्वी और शक्तिशाली बना रहा है। इस समय शरीर के किसी अंग में पुलकन, सिहरन या कोई आकार या कल्पना या कोई दृश्य उभरे तो ध्यान का केंद्र बिंदु उन प्रतिक्रियाओं पर न देते हुए आंतरिक स्वर्णिम सूर्य पर ही बनाए रखे। सुनहरी किरणों का हमारे शरीर के कण कण में प्रवेश हो रहा है। हमारे अस्तित्व के अणु अणु में स्वर्णिम सूर्य प्रकाशित हो रहा है। मानो हमारे अस्तित्व से सूर्योदय हो रहा है। स्वयं के स्वरूप की प्रकाश पुंज अग्निपिंड जैसी अनुभूति होने लगी है। स्वर्णिम सूर्य की उष्मा और ऊर्जा का अनुभव करते रहे। सविता देव के इस अनुदान से हमारे मन की पवित्रता और प्रखरता में अभिवृद्धि होने लगी है। स्वर्णिम सूर्य की अनंत शक्तियाँ हम सब के लिए खुली हैं। उन शक्तियों का उपयोग हम स्वयं की क्षमता से संपन्न कर रहे हैं। हमारे भीतर स्वर्णिम सूर्य की शक्तियाँ आने लगी हैं। हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा अस्तित्व स्वर्णिम सूर्य की शक्ति को अवशोषित कर रहे हैं। इन शक्तियों को स्वयं के भीतर पूरी तरह से आत्मसात कर लीजिए।
कुछ समय स्वयं को इसी स्वर्णिम सूर्य की शक्ति की ऊर्जा में बनाए रखें। यह स्वर्णिम सूर्य न केवल हमारे मानस पटल पर प्रकाशित हो रहा है, बल्कि हमारे जीवन में भी स्वर्णिम सूर्य उदय हो रहा है। हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, हमारे संबंधों के क्षेत्र में, हमारे संपूर्ण जीवन में आज ये स्वर्णिम सूर्य उदय हो चुका है। सूर्य की ऊर्जा को नमन करें। जब पूर्ण तृप्ति का अनुभव हो जाए तो आप इस ध्यान से धीरे धीरे बाहर आ जाएं।